या गाइस डोमिनार पे आज लास्ट राइड होने वाला है। लखपति हो गया, लखपति बना दिया मेरे को। सो थंबनेल और टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा गाइस ये वीडियो किस बारे में। सो या गाइस डोमिनार पे आज लास्ट राइड होने वाला है एंड या इसको आज मैं बेचने वाला हूँ। सो या गाइस काफ़ी दिनों से साथ में रहा, मतलब एक इमोशन सा होता है ना, एक कनेक्शन जुड़ गया था। काफ़ी सारे राइड वगैरह किया मैंने इस पर, छोटे छोटे राइड्स एंड काफ़ी मतलब मज़ा भी आया। वैसे इसको मैं सिर्फ एक या डेढ़ महीना ही रखा क्योंकि मेरा आगे का कुछ दूसरा ही प्लान है, इसीलिए मैं आज इसको बेच रहा हूँ। मतलब बेचने का तो मन नहीं कर रहा है बट क्या करें, लाइफ में अपग्रेड भी ज़रूरी है। एंड या आज मैं ड्यूक और डोमिनार को दोनों को ही लेके जा रहा हूँ। ड्यूक लेके जाएगा नेवांग, सो वहाँ से मैं ड्यूक लेके चला जाऊँगा सिलीगुड़ी एंड नेवांग जो है वापस आ जाएगा। सो या गाइस आज का यही ब्लॉग है एंड या गाइस मतलब क्या करूँ, अब बेचना तो पड़ेगा ही। सो मज़ा आया, लेकिन काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए मैं इसको ख़रीदा एंड या मज़ा आया। सो या गाइस अभी इस बाइक को मैं क्यों क्या के लिए बेच रहा हूँ वो आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। सो या मिलते बाइक पर, ओके। ऑलराइट, अभी निकल चुके हैं गाइस। आज सब कुछ मतलब डील वगैरह सब हो चुका है, सो सिर्फ ये बाइक को जाके मेरे को अभी डिलीवर करना है एंड आगे का मैंने कुछ सोच के रखा है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं। सो कुछ दिन बाद वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सो यार पीछे पीछे नेवांग भी आ रहा है ड्यूक 390 लेके, क्योंकि मैं ड्यूक लेके चला जाऊँगा सिलीगुड़ी या कर्शियंग होते हुए एंड ये जो डोमिनार है ये आज जाने वाला है। तो पूरा दुख लग रहा है यार, मतलब मन ही कैसा उदास टाइप का हो गया है मेरा आज। बट क्या करें, अभी लाइफ में अपग्रेड तो चाहिए ही, इसीलिए बेच रहा हूँ इसको। सच बताओ तो गाइस ये बाइक में ना मेरे को एक लाइक फील ही नहीं दे पाया। ये बाइक 250 cc का इंजन है, 400 ले लेता इससे अच्छा तो। बट इसका जो है ना माइलेज वगैरह काफ़ी सही है। सो अगर आप ड्यूक 250 या फिर उससे नीचे का कोई बाइक चला रहे हो एंड आपको अपग्रेड चाहिए तो ये बाइक आप ले सकते हैं। बट मेरे में ऑलरेडी ड्यूक 390 था, 390 को चला के ये ड्यूक 250 मतलब डोमिनार 250 थोड़ा सा लाइक ऊपर नीचे हो गया था, इसीलिए मैं इसको बेच रहा हूँ। एंड मेरे को अभी ना अभी टूर वगैरह के लिए ही बाइक चाहिए असल में, क्योंकि मेरा दोस्त लोग एकदम लंबे लंबे टूर पर जा रहा है तो मेरा भी मन करता है लंबे लंबे टूर पर जाना। बट ये बाइक जो है लाइक ये भी जा सकता है टूर पर, बट मेरे को चाहिए अभी ऑफ रोड भी कर सके। मेरे को ऐसा बाइक चाहिए जो ऑफ रोड कर सके, हाईवे राइड सिटी राइड वगैरह कर सके, सब पे भी काम आ सके। सो या सेकेंड हैंड तो बहुत ले लिया, अभी मैं सोच रहा हूँ सीधा नया लेने के लिए। देखते हैं कौन सा बाइक लूँगा मैं। एंड ये बाइक जो है ना, ये बाइक मेरे को काफ़ी सही लगा, मतलब माइलेज वगैरह एकदम काफ़ी सही है। सिर्फ दार्जिलिंग में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ दार्जिलिंग में ये 35-30 का माइलेज देता था, क्योंकि मैं हमेशा फुल टैंक कराता था इसको। एंड फुल टैंक करने पर लाइक होता है ना 8 दिन 9 दिन कभी कभी 10 दिन भी चल जाता था। परफॉर्मेंस वगैरह भी काफ़ी सही है। अगर आप 200 cc या उसके ऊपर का कोई बाइक लेना चाहते हैं तो ये बाइक डेफिनेटली आप ले सकते हैं। साउंड वगैरह काफ़ी सही है, डुअल मफलर एग्जॉस्ट है एंड लाइक मुड़ के पब्लिक रिएक्शन बहुत मिलता है इसमें। अगर आप डाउनशिफ्ट वगैरह करते हो तो मतलब हार्ड टाइम्स डाउनशिफ्ट वगैरह करते हो तो लाइक बहुत बढ़िया साउंड निकलता है एग्जॉस्ट से। सो ये सब मेरे को काफ़ी सही लगा, जो कुछ भी अच्छा लगा वही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ इतना दिन चला के। तो इतना दुख तो मेरे को जब मैं 220 बेचा तब भी नहीं लगा। ये बाइक जो है ना इमोशन जुड़ गया था यार इस बाइक से, बट कोई नहीं, लाइफ में होता रहता है, कभी कभार अपग्रेड तो चाहिए लाइफ में।
अपग्रेड के लिए कुछ घुमाना भी पड़ता है। ला 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 उठा उठा धन्य क्रैश कर दिया हमी सारा एक से नहीं ना थोड़ा नहीं एक से नहीं ऑफ कर ऑन कर नोट हम बाइक पर फुटते हुए पकड़ एक से कुदाउनु म यो कुदाउनु भारी छ रोकाने फुल एन्ड घोप्ते छ भाइ भाइ हुन्छ अन्त छ्याप्पै नपारी पठाउनु अभी ड्यूक के साथ थोड़ा सा पंगा हो गया। सो नेवोंगो मैंने दिया था बाइक ऊपर तक पहुंचाने के लिए, लाइक उनका जो है ना पैर थोड़ा सा कम पहुंचता है तो इसीलिए थोड़ा क्रैश कर गया। बट इसका जो क्रैश गार्ड है बहुत बढ़िया है, जाना का तो एक थोड़ा सा भी खर्च नहीं आया, ये बहुत बढ़िया है। वैसे वो जो गाड़ी था, गाड़ी भी टर्निंग में ही रोक दिया है, ऐसे मतलब खड़ा था, आपको पता ही है अब गाड़ी रोकने पर तो थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है। एंड वो जो गाड़ी था थोड़ा टर्निंग में ही रोक दिया बिना साइड किए, तो थोड़ा सा उससे भी प्रॉब्लम हुआ। केम भएन केम भएन ओ टीम लाइक केम भएन हैन ओ नि तल्लो त बनाइ दियो अन्त मोरले हात नै हो उ छिटी त गयो जस्तो काई लागेन कि यहाँ चाहिँ अलिकति स्क्र्याच भयो केम हुँदैन यसले त कि यहाँ र यहाँ चाहिँ भयो तिमीलाई लागेन हैन काम हात काटियो त मोर अनि केम हुँदैन हजुर हातमा लागेछ हजुर डिस्टर्ब अलिकति क्या थारोमा उयो भन्दा कि के भन्नु भन्नु भाइ अन्त लखपति हो गया बे लखपति हो गया लखपति बना दिया मेरे को लट्टी सम्बत ऑलराइट गाइस अभी यहाँ पर पूरा डील एकदम फाइनल हो चुका है। सो फायर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये भाई है हम लोगों का घूम का, तिम नाम क्यों भाई स्टीफन स्टेफन तिम्रो नाम बिशन बिशन उसको था मैं बिर्से सो अपना डोमिनार अब जा रहा है। सो इसको अलविदा बोलते हैं। अभी ड्यूक पर कुछ दिन ब्लॉग आएगा। ल ब्रो ल राम्रो जाओ हैन ल राम्रो गर राम्रोसँगले कुदाऊ तर माया लाग्यो नि यसलाई तर 220 मा यतिको माया लागेको थिएन कि यसमा चाहिँ हेभी माया लाग्दैन मलाई कस्तो जानिन्छ बाइक पनि अन्त अहिले। सो अल राइट अभी निकलते हैं यहाँ से। सो ऑलराइट गाइस अभी सारा का सारा जो डील वगैरह था वो हो गया है एंड बाइक डिलीवर कर दिया भाई को जो बायर था। एंड यार कितने में क्या बेचा वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, तो वो बता के क्या फ़ायदा ना है कि नहीं भाई, अपना कितना घाटा लग रहा है वो तो मन में ही है पूरा। गाइस अभी ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप एंड इफ यू हैव सम सजेशंस देन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So bye bye, take care, ride hard, ride safe and go cool, go with the flow.